प्यारे प्यारे बच्चों, धन्य बच्चों, आज मैं आप लोगों को अच्छी सी सच्ची सी कहानी सुनाती हूँ। एक बिल्ली थी जो कि ना बहुत प्यारी सी थी। हमारे घर में रोज़ आ जाती थी, मैं कुछ ना कुछ दे देती थी उनको, मीट दे देती थी, मिल्क दे देती थी, तो वो पी के खुश होके चली जाती थी। एक दिन उसने तीन किटन दिए, छोटी छोटी प्यारे प्यारे से, तीन बड़े प्यारे से थे, हर एक अलग डिज़ाइन का बना हुआ था। वो जो है मैं देखा करती थी बाहर, लोगों ने उसके लिए ना जैकेट बिछा दिया हुआ, उसमें बच्चों को लेके फीड कराती थी, सब उसको खाने पीने को देते थे। फिर हमारे घर में भी आ जाती थी, तो मैंने कहा बिल्ली मानो कब अपने किड्स को लेकर आओगी, किटन को? तो वो कुछ दिन के बाद ना अपने किटन को भी लेके आ गई, ये आंटी से मिलाने के लिए ना कि आप लोगों को मिल्क वगैरह देंगी। बड़े ही प्यारे थे, तीन के अलग अलग तरह के थे, एक वाइट था और एक में कई ब्लैक ज़्यादा थे और एक था गोल्डन कलर वाला, वो मुझे बहुत पसंद था। ब्लैक वाला जो है ना, उसको बाद में बच्चों ने ना किसी ने ले लिया ना, उसको अडॉप्ट कर लिया, और वो ना बहुत ही प्यारा सा था वो भी। और एक वाइट वाला था, उसको उसकी मदर जो है वो लेकर आई, तो इधर उधर सारे बच्चे खेलने लगे हमारे घर में। एक बास्केट रखी हुई थी, उस पर भी सारे बच्चे बैठ गए, बहुत उनको सुकून मिला उसमें बैठकर, खुश हो गए वो, इधर उधर दौड़ने भागने लगे। तो हमने जो है ना उनको फिर मिल्क दिया, जिसको उनकी मदर ने भी पिया और उनके बच्चों ने भी पिया बहुत शौक से, और उनका बहुत दिल लग गया था। फिर उनकी जो है मदर जो है कहने लगी कि उनको घर याद आ गया मदर को, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए, हमारा तो पेट भर गया दूध से, और मीट दिया था उनकी मदर को, तो ये तो बड़ा मज़ा का दिन आज गुजरा है, चलो अब घर की तरफ चलते हैं। तो चलने के लिए वो सारे बच्चे तो राज़ी हो रहे थे, दो बाहर निकल गए, लेकिन जो है एक जो गोल्डन वाला था ना, वो हमारे फ्रिज के नीचे जाके छुप गया, जाना ही नहीं चाह रहा था वो बहुत ही। उसकी माँ ने ना उसको इन्वेट किया कि वो आ जाए दरवाजे पे, ये जो गोल्डन वाला है ना, ये वाला ना फ्रिज के नीचे जाके छुप गया, और वो जाना नहीं चाह रहा था, उसका दिल लग गया था बहुत। वो सबसे छोटा भी था ये किटन ना, बाकी तो थोड़े बड़े लग रहे थे, हेल्दी थे और ना समझदार भी थे। जैसे ही मदर निकली गेट के बाहर, और वो सब के सब चले गए, मगर इन्होंने ना पसंद ना किया, यहीं रहना चाह रही थी वो। तो उसके बाद जो है वो खैर मैंने फिर अपने हाथों में लेके उनको मदर के पास छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो अब जाना ही पड़ेगा हमें अपने घर, तो लिया था वो, फिर इस बात को तैयार हो। किटन बहुत प्यारे थे, ब्लैक वाला और वाइट वाला तो चला गया, किसने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन गोल्डन वाला वहीं रहा हमारे एरिया में, और वहीं, और फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आता रहता था मेरे यहाँ, और खाने के लिए मांगता था, मैंने उसको मीट देती थी। इतनी प्यारी सी वो बिल्ली निकली बड़ी हो के, बहुत ही प्यारी की ओर से, लेकिन थोड़ी सी डरपोक थी वो गोल्डन वाली किटन, बहुत थोड़ी सी डरपोक थी। सारे जो हैं वो जल्दी डर जाते थे, अम्मा उसको बहुत अपने रोब में रखती थी गोल्डन वाले बच्चे को। फिर वो एक एक करके बच्चों को लेकर जा रही है लगी, और उन्होंने ना मुझे बाय बाय कहा। किटन जो है गोल्डन वाली फिर आती थी मेरे घर में, और बहुत प्यार करती थी मुझे, अच्छी थी बच्ची थी, और ज़्यादा वो ना शरारती नहीं थी, तंग नहीं करती थी किसी को, जल्दी वो हम लोगों से घुल मिल गई, और ना बहुत ही उससे तरीके से रहती थी, थोड़ी डरपोक होने की वजह से ना कहा मानती थी हर किसी का। बच्चों ये गोल्डन बिल्ली मुझे बहुत प्यारी भी लगती थी।
मैं इसको बहुत प्यार करती थी, जब वो अपनी मामा के साथ बैठकर फीड किया करती थी ना, तो मैं देखती थी, बहुत खुश होती थी। और मुझे नहीं पता था कि वो बड़ी होके भी मेरे पास आती रहेगी, और ना मेरा दिल बहुत बहलाती थी। अपनी मामा के से बहुत डरती थी, मगर थी बहुत अच्छी, आती जाती थी। इन्होंने सामने के इंजॉय किया, विंग कर कि मेरे पास बास्केट थी और उसमें बैठ के खूब खुश हो के खेला करते थे। दूध पीने के बाद जो है वो उसमें बैठ जाया करते थे, आराम किया करते थे, रेस्ट करते थे, सो जाते थे, प्यारी प्यारी नींद लेकर सो जाते थे। तीनों अपने साथ एक दूसरे से लग के बैठा करते थे। मामा ने मना जो किया था कि इधर उधर कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है आप लोगों ने। कैट जो है बहुत अच्छे तरीके से खाती है अपनी बिल्लियों को, अपने किटन को, कि यहीं रहना, आपने कहीं नहीं जाना, बाहर सेफ नहीं है। और बाहर जो है बच्चे बहुत तंग करते हैं, लेके पकड़ के चले जाते हैं घर में, तो ये जो है इसकी वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी दो बिल्लियों को, किटन को बच्चे ले ही गए अडॉप्ट करने। बच्चे भी तो बहुत पसंद करते हैं ना उनको, और हर कोई जो है बहुत खुश होता है अपने घर में इनको पेट बना के रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखता है, इंसानियत भी आ जाती है बच्चों में, बहुत प्यार करते हैं। अब बच्चों को तरीके भी आते हैं, नम दिली भी पैदा होती है, इसलिए पेट पालना बहुत अच्छी बात होती है। पेट से घर में बरकत भी आती है। शुक्रिया बच्चों।